एडीएम रेजिडेंशिया का 8वां फ्लोर इस वक्त तैयार हो रहा है ग्रे स्ट्रक्चर में। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, आप देख रहे हैं इस वक्त बैरियर टाउन में एक ऐसी ही प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ चंद गज के फासले पर मेन गेट से यहां पर करीब है। 8वें फ्लोर पर अब काम मुकम्मल हो रहा है और उसके बाद काम फिनिशिंग में जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको बता दूं, जहां मैं मौजूद हूं पीछे पीएम रेजिडेंशिया और इसके बिल्कुल इस तरफ ये देखिए ये है कायद विलास, यानी आप आपको समझ आ रहा होगा बहुत करीब तरीन। और इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो वो जो सिग्नल्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो हैं मेन जना एवेन्यू के। और अगर इस तरफ आए ये 5 लेन, वन साइड 5 लेन, दूसरी साइड यानी कि 10 लेन सड़क जो है इसके बिल्कुल उस तरफ जो है वो है ओवरसीज ब्लॉक प्रीसेंट 1 कहा जाता है, जहाँ पर बैरियर टाउन का अपना रूस मिलेनियम स्कूल है, पार्क मार्केट हर चीज़ जो है वो यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ अब आपको तैयार बिल्डिंग में बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ अपार्टमेंट ले सकते हैं, क्या रेट्स इस वक्त है, किस तरह ने आपने बुकिंग करवानी है। लोकेशन आपने देख ली है, शानदार है, बहुत आबाद है, तमाम तर बिल्डिंग्स ये वो चीज़ें वो तैयार हो रही है। हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा उनसे कि पीएम रेजिडेंशिया जो इस वक्त तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रहा है यहाँ पर, इसकी प्राइस क्या है, इसमें किस तरह से बुकिंग हो सकती है और कितनी देर बाद ये मुकम्मल होकर डिलीवर हो जाएगा। तो अली रज़ा से इस पर बात करते हैं। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत तेज़ी के साथ अब मुकम्मल हो रहा है, आखिरी फ्लोर जो है वो इस पर बन रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएम रेजिडेंशिया मतलब कितना ये एरिया है, क्या प्रोजेक्ट है, फिर हम कीमतों पे बात करते हैं। शुक्रिया मुदस्सिर भाई, ये हम एवेन्यू 1 पर मौजूद हैं, हमारे इस जानिब कायद विलास हैं, आपने तमाम तफसीलात तो बता दी हैं। 133 गज के यहाँ पर ना प्लॉट की कटिंग है कमर्शल की। सही, ये प्रोजेक्ट 2 प्लॉट को कंबाइन करके बनाया जा रहा है, यानी 266 गज। अब अगर आप एक प्लॉट पर बनाएं तो ग्राउंड प्लस 6 बनाते हैं, जैसे वो एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, अगर आप दो को कंबाइन करके बनाएंगे तो आपको ग्राउंड प्लस 8 बनाने की इजाज़त है। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग है, यानी ग्राउंड प्लस 8 बन रहा है। 8वां फ्लोर आपने देख लिया वीडियो में कि मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज़ में उसकी भी छत जल जाएगी आज के दिन से। तो स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होने के करीब है। इसमें शॉप, फ्लैट 2 बेड का, 3 बेड का और 2 बेड के, चूँकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो अवेलेबल हैं। और आम लोगों के लिए कि ये कहाँ पर मौजूद है, आपने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, राइट लेंगे तो मेन गेट आ जाएगा। और अगर आपके बाएं बताऊँ तो प्रीसेंट 1 के ओवरसीज़ विलाज हैं और ये कायद विलाज हैं। ये पार्ट भी आबाद है मुदस्सिर भाई, ये पार्ट भी आबाद है। और यहाँ पर आपको हमारे बिल्कुल पीछे नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह बिल्डिंग कमर्शल पर जो है वो बन। तो बताइए फिर साइज़ के हवाले से, यहाँ 2 बेड आप कह रहे हैं डिफरेंट साइज़ हैं, तो बताइए क्या है और इसकी कीमत क्या है। जो 2 बेडरूम है वो 850 वाला है, 950 वाला है और 1000 वाला है। 1000 वाला 1.5 करोड़ रुपए का है, 10,500 पर स्क्वायर फीट रेट है। जो 950 वाला है वो 99 का है, जो 850 वाला है वो 90 का है। कोई रेट कुछ हज़ार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 10,500 इसका रेट है। 2 बेडरूम की बुकिंग आप 15 से 20 लाख में करवा सकते हैं। अगर आपके पास एकदम 15 नहीं है, आप 10 टाइम देकर बुकिंग हो सकती है। आपको इसके लिए 1 महीने का टाइम भी दिया जा सकता है। 14 महीने आपको ऑफर करेंगे रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट आप, यानी रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको 14 महीनों में देनी है। अलबत्ता जो आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी वो 2024 जनवरी में मिलेगी। ये शॉप, ये सारी आपको कुछ रोज़ में ही फिनिशिंग की जानिब बढ़ती नज़र आएंगी। इसी तरह यहाँ पर 3 बेडरूम है और 1 फ्लोर पर 2 3 बेडरूम है, यानी एक और भी 1375 का साइज़ है। और अगर आपको इसको मैं गज़ में बताऊँ तो 133 जो 2 प्लॉट हैं, 133 के, एक 133 गज के प्लॉट पर 1 3 बेड है, एक 133 गज के प्लॉट पर 1 3 बेड है, यानी कि 125 गज के घर से भी बड़ा होगा जी। कवर्ड एरिया बिल्कुल, क्योंकि वो एक फ्लोर है तो बड़ा होगा। 1125 स्क्वायर फीट होता है 125 गज का, वो भी पूरा वॉल टू वॉल, उसमें फिर गार्बेज छोड़ते हैं, ये वाला एरिया, वो वाला एरिया, खैर। तो 1 करोड़ तकरीबन 44 लाख रुपए कीमत है 3 बेडरूम की। फ्रंट बैक ओपन है, फ्रंट पर प्रीसेंट 1 ओवरसीज और ये खुली रोड्स और सारी चीज़ें व्यू हैं, और बैक साइड पर कायद विलास जो बहुत खूबसूरत माहौल है और बहुत टाइम से आबाद है वो नज़र आएगा। कॉर्नर है दोनों 3 बेड, क्योंकि एक जानब 1 3 बेड, एक जानब दूसरा 3 बेड है।
तो पेमेंट प्लान क्या है इसका, क्योंकि ये तो आप 8वें फ्लोर तक बन चुका है, लोगों की बुकिंग तो यहाँ डिगिंग से भी पहले हुई है, तो अब तो मुश्किल हो जाएगा ना, पेमेंट प्लान क्या है? देखिए इसका जिस तरह मैंने गुजारिश की है पहले भी कि 14 महीने आपको मिलेंगे, बुकिंग आपकी 3 बेड की होगी, 20 से 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट और कुछ अमाउंट आपको पोजेशन पर अदा करनी है। इट्स अ मॉडिफाइड प्लान, अगेन हमने पुरानी वीडियो में भी कहा था आपको कब्ज़ा आज से तकरीबन 9 महीने बाद मिलेगा, जनवरी 2024 में और दिसंबर 2023 में PM रेजिडेंशिया वन, जो मिडवे कमर्शियल में जैसे भाई 175 लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट पर मौजूद है, उस पर भी हमने वीडियोस, उस पर भी हमने बहुत सारी वीडियोस की और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आखिरी फ्लोर पे वो स्ट्रक्चर बन चुका है, बन चुका है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर, वो तो नीचे बल्कि दुकान तैयार हो रही है, ग्राउंड फ्लोर की जो फ्लोर टाइल्स हैं वो लग रही थी कल परसों, शॉप्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अच्छा ली, साइज के हवाले से बताइएगा कि इसमें रूम साइज क्या रखे गए हैं, किस तरह से प्लान किया गया? देखिए जो 3 बेडरूम है चूँकि साइज़ में बड़ा है और फिर बेडरूम की जो प्लानिंग है फैमिली को देख कर की जाती है अमूमन, 12x14 और 12x15 के बेडरूम है, एक बेडरूम 13x15 है, एक 12x15 और एक 12x14 का है, तीनों बेडरूम एक रिजनेबल साइज़ के हैं। अगर मैं 2 बेडरूम की बात करूं तो यहां पर 12x13 12x14 के 2 साइज़ हैं, जो वॉशरूम है वो 6x7 और 6.5x7 के हैं, जो ड्राइंग है जो जो लाउंज है, क्योंकि लाउंज 1000 वाले में ड्राइंग और लाउंज सेपरेट है, 850 वाले में सेम है, वो एक ही पार्ट है, जो ड्राइंग है वो जो ड्राइंग और लाउंज है वो 20x12 का है, बाकी अली आपने कहा था एक दुकान भी इसमें है, तो कौन सी दुकान है? दुकानें तो काफ़ी नज़र आ रही हैं, 4 दुकानें भाई जान, बड़ी हैं, बिल्कुल ये कॉर्नर वाली दुकान हमारे पास अवेलेबल है और ये 470 की है ग्राउंड, और जो इसका बेसमेंट है वो है 525 का। अच्छा, बेसमेंट के साथ है? जी बेसमेंट के साथ है और 58,000 पर स्क्वायर फीट इसके रेट हैं, मेन जो एवेन्यू पे 65-70-80 और अगर आप 1 से 10 प्लॉट तक की बात करें तो 1 लाख भी मांगा जाता है। ये मेन जिन एवेन्यू से हम दूर नहीं खड़े, इसमें आप 5 एवेन्यू इस जाने में फिर उस जाने में, तो ये भी खुले रोड की शॉप है, आपको ग्राउंड मिलेगा, बेसमेंट मिलेगा और इसका जो कब्ज़ा है वो सबसे पहले मिलेगा, मतलब अपार्टमेंट के मुकाबले में, क्योंकि ये तो बहुत जल्द रेडी होकर आपको शायद 3 महीने में आप यहाँ पर अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप 14 महीने में ही अदा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये कैसे एंट्रेंस, मुझे समझ नहीं आ रही, एक जाने बैठ, अभी एंट्रेंस के ब्लॉक नहीं लगे, सामने लिफ्ट आएंगी, 1 शॉप 2 शॉप 3 शॉप 4 शॉप। तो ये आप इस तरह समझ लें 133 के एक प्लॉट पर 2 बनाई गई है, ठीक है, 133 जॉब शॉप, दरमियान में जाने का रास्ता, फिर वो एक कोने वाली और एक उसके बराबर वाली, तो जाने का जो रास्ता मैं अपार्टमेंट की बात जी, ये बिल्कुल इस पिलर के बिल्कुल साथ वाला, ठीक है, तो ये एरिया है जी। अब आपने आप देख ही लेंगे देख लिया कि अब इसको जो लोकेशन के अतबार से उस पर तो अब दो राय नहीं है कि ज़बरदस्त लोकेशन है, आबाद एरिया है, बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रहा है और ये बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह डिलीवर हो सकता है। तरीकाकार बड़ा आसान है, नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और कुछ सवाल हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।